बिग बॉस 11 की विनर रही और फेमस टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को कुछ वक्त से कम ही प्रोजेक्ट्स में देखा जा रहा है। वो अपने किसी भी टीवी शो से ज्यादा विवादों के कारण चर्चा में बनी रहती हैं। शिल्पा उन सितारों में से एक हैं जो बेबाकी से अपनी हर बात लोगों के सामने रखती हैं। अब फिर एक बार एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण वो खबरों में छा गई है, तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में, मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। शिल्पा ने इस बार सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि CINTAA पर निशाना साधा है। शिल्पा ने राजन साही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता से सहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को रातों रात शो से बाहर कर देने पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों कलाकारों को सेट पर उनके बर्ताव की वजह से शो से बाहर निकाला गया। अब इसके चलते एक्ट्रेस मेकर्स पर भड़क पड़ी हैं। शिल्पा ने अपने एक इंटरव्यू में प्रतीक्षा और सहजादे को निकाले जाने के फैसले को बकवास कहा। शिल्पा ने अपने इंटरव्यू में कहा, CINTAA के सदस्य आप इसलिए बनते हैं ताकि आप दूसरे लोगों को नियंत्रण कर पाएं। कलाकार संघ सिर्फ अन्य कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी निर्माता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? शिल्पा ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा कि परेशानियां पैदा करने वाले अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबकी बात सुनते हैं, सम्मान करते हैं उन्हें लेकर, अक्सर लोग इसे गलतफहमी में रहते हैं कि वो डरते होंगे। दूसरी ओर शिल्पा ने उस पर भी प्रतिक्रिया दी कि प्रतीक्षा और सहजादा ने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में नो अफेयर क्लॉज को तोड़ा है। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि क्या पहले कभी सेट पर एक्ट्रेस के अफेयर नहीं हुए? मैंने तो सुना है एक्ट्रेस के अफेयर की खबरों से निर्माता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस कारण उनके शो खबरों में बना रहता है और उनके शोज की TRP रेटिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। किसी कलाकार को शो से निकालना का ये तो कोई कारण नहीं होता। शिल्पा शिंदे का बयान अब ये तेजी से वायरल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि शिल्पा शिंदे ने जो बोला है वो सही है या फिर गलत? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।